संकट मोचन संगीत समारोह 20 अप्रैल से आरंभ होगा। इस बार नवोदित कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नामचीन कलाकार भी अपनी प्रस्तुति अर्पित करेंगे। संकट मोचन संगीत समारोह का यह 99वां संस्करण होगा। यह जानकारी संकट मोचन मंदिर के महंत IIT बीएचयू के प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने दी। प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि 16 अप्रैल हनुमान जयंती को संकट मोचन मंदिर में स्थापित बैठे हनुमान जी का श्रृंगार होगा और सावधि पूजन अर्चन किया जाएगा। बता दें कि संकट मोचन मंदिर में ही बैठे हुए हनुमान जी का विग्रह है, सो हनुमान जयंती पर बैठे हनुमान जी की आकर्षण झांकी सजाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महंत प्रोफेसर मिश्र ने दुखी मन से कहा कि इन 2 सालों में कोरोना ने कई नामचीन हस्तियों को हमसे छीन लिया, जिसमें काशी के सुनाम धन्य पंडित राजन मिश्र भी रहे। वो निरंतर संकट मोचन संगीत समारोह में अपने भ्राता राजन मिश्र के साथ उपस्थित होते रहे, इस बार उनकी कमी खलेगी। प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि पिछले 2 साल में वर्चुअली संगीत समारोह में शामिल होने वाले कलाकारों को तरजीह दी जाएगी। वैसे संकट मोचन संगीत समारोह की अंतिम निशा के कलाकार होंगे पंडित हरीश तिवारी। इनके अलावा भक्ति संगीत के मर्मज्ञ पंडित अनूप जलोटा, पंडित शिवमणि उल्लाह कसालकर, सिराज अली खां, सुरेश तलवलकर, उस्ताद शाकिर खां, उस्ताद गुलाम अब्बास, रोनू मजुमदार, ज्योत्सना लक्ष्मी वाराणसी, कंकना बनर्जी, मालिनी अवस्थी, मोइनुद्दीन खां आदि की अपनी प्रस्तुति अर्पित करेंगे। हर वर्ष ये 6 दिन का कार्यक्रम होता है और टोटल जो है उत्सव जो है 10 दिन का है। उसमें पहले दिन हनुमान जयंती का आयोजन है और जितने भी कार्यक्रम है उसी हनुमान जयंती के ओकेजन पे है। तो पहले दिन तो मंडलियाँ वगैरह का वहाँ पर रामचरितमानस का चैती में पाठ करेंगे, ध्वजा यात्रा निकलती है, उसमें शाम के समय गाँव के लोग आते हैं और दिन में मारवाड़ी समाज आता है और मंदिर में एकाह पाठ, सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का पाठ और रुद्राभिषेक और रामार्चा पूजा, ये सब आयोजन पहले दिन होंगे। 3 दिन सार्वभौम रामायण सम्मेलन होगा, जैसे 17, 18 और 19 को, और 20 से 25 तारीख तक 6 दिन का संगीत समारोह होगा जिसमें कुल 49 कार्यक्रम की प्रस्तुतियां होंगी और सब बड़े आर्टिस्ट हैं। ये रात पर्यंत चलेगा, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, सुबह तक चलता है। इस बार खास यही होगा कि इस बार सीनियर आर्टिस्ट के साथ इस बार नए आर्टिस्ट भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आपको आगे का जो रोड मैप है वो प्लान करके आपको दिखा देगा कि आगे संगीत किस क्षेत्र में और किस दिशा में जा रहा है। तो अभी ऐसा कुछ तो यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर को जो भी दिशा निर्देश मिलेगा इस संबंध में वो मंदिर उसका पालन करेगा और सबसे अनुरोध भी करेगा कि उसका पालन करें।